तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगा कि सौर ऊर्जा से बिजली कैसे पैदा करते हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं सौर ऊर्जा प्लांट, कम से कम ये 15 से 20 एकड़ में प्लांट लगा हुआ है। देख सकते हैं फ्रेंड चारों तरफ। और फ्रेंड, इसके पीछे हमारा है NTPC। ये देख सकते हैं, ये पूरी बिजली पैदा होने के बाद ये NTPC जाता है। NTPC में पूरा बिजली को इकट्ठा करने के बाद ये हमारा बिजली बाहर भेजा जाता है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक प्लेट जो है ये कितने वोल्टेज बिजली पैदा करता है। पूरा आज मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा और बताऊंगा। फ्रेंड, आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम आ चुके हैं सौर ऊर्जा के मेन प्लांट पर। ये मेन गेट है, इसके अंदर एंट्री करने नहीं दे रहे हैं। तो आपको मैं बाहर से बताता हूं और दिखाता हूं। ये कम से कम 15 से 20 एकड़ में सोलर प्लांट लगा हुआ है। फ्रेंड, ये जो प्लांट है ये 10 मेगावाट का है और ये पूरी सप्लाई जो है ये NTPC देता है। ये सामने देख सकते हैं, हमारे NTPC है। ये पूरी बिजली जो है इसके यहाँ पर देता है, यहाँ पर इसको यूज किया जाता है इस प्लांट में, NTPC में। और जो नहीं यूज होता उसको उच्च ट्रांसफार्मर के जरिए बाहर भेजा जाता है दिल्ली में। इसको दिल्ली भेजा जाता है, यहाँ का जो बिजली पैदा होता है इस प्लांट में सौर ऊर्जा के जरिए, इसको बाहर भी सप्लाई किया जाता है और हमारे NTPC में भी इसको यूज किया जाता है। सामने देख सकते हैं ये NTPC है। यहाँ से इसकी दूरी कम से कम 5 से 6 किलोमीटर होगा फ्रेंड, जहाँ ये सोलर प्लांट लगा हुआ है। देख सकते हैं फ्रेंड, ये कम से कम 15 से 20 एकड़ में सौर ऊर्जा प्लांट लगा हुआ है। 15 से 20 एकड़ में तो काफ़ी प्लेट है फ्रेंड यहाँ पर हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ 1 किलोवाट सोलर पैनल कितनी बिजली उत्पादन करता है या फिर कितनी बिजली पैदा करता है। तो फ्रेंड, साफ मौसम जब रहता है तो हमारा 1 किलोवाट सोलर पैनल 4 से 5 यूनिट बिजली पैदा करता है। तो देख ही सकते हैं हमारे यहाँ ये कितना सोलर पैनल लगा हुआ है। ये पैनल फ्रेंड 15 से 20 एकड़ में ये पैनल लगा हुआ है। देख ही सकते हैं, हम ऊपर से आपको दिखा रहे हैं सोलर पैनल का नज़ारा कि कितने एकड़ में सोलर प्लांट हमारा लगा हुआ है। देख ही सकते हैं, हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड, ये जो प्लांट है ये 10 मेगावाट में है, 10 मेगावाट का है। और सामने NTPC है, पूरी सप्लाई फ्रेंड इसी NTPC में भेजा जाता है। यहाँ का जितना यूज होता है NTPC में, जितना यूज होता है यहीं से बिजली जितना जाता है फ्रेंड पूरा ये यूज में लेता है। जो यूज में नहीं लेता उस ट्रांसफार्मर के जरिए ये बाहर भी सप्लाई करता है। जैसे जानकारी के मुताबिक हमको पता चला है कि दिल्ली भी यहाँ से सप्लाई जाता है, दिल्ली भी यहाँ से सप्लाई भेजता है ये। तो फ्रेंड, देख ही सकते हैं यहाँ पर कितने प्लेटें लगे हुए हैं, 40-50 हज़ार प्लेट यहाँ पर लगा हुआ है फ्रेंड। और यहाँ से NTPC की दूरी फ्रेंड 4 से 5 किलोमीटर यहाँ से दूरी है हमारे NTPC का, जो ये सप्लाई भेजता है। तो फ्रेंड, आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड, मैं सोचा आपको बता दूं कि सोलर पैनल से बिजली कैसे बनती है, कैसे पैदा होती है। तो मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी फ्रेंड? तो जैसा फ्रेंड, हमारा वीडियो में साथ देने के लिए हमारे शिवाकांत भाई और हमारे DK भाई हैं, जो हमारी वीडियो में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सहायता करते हैं। जहाँ शूट होता है हमारे दोनों भाई जाते हैं। तो फ्रेंड, आपको मेरी यह जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।